नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में बढ़ते अपराध को कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम ने कमर कस ली है। एक अन्य मार्ग स्थित नेक संवाद भवन में विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बिहार के DGP इस बैठक में मौजूद हैं, गृह विभाग के मुख्य सचिव मौजूद हैं, मुख्य सचिव भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार के साथ सब बैठकर विधि व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और इन बातों पर विचार कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में क्राइम कंट्रोल को लेकर और क्या कदम उठाए जाएं जिसमें शांति व्यवस्था जो है वो पूरे सूबे में बहाल हो सके। आपको पता है कि सरकार दिन रात लगी रहती है कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना पूरे सूबे में ना हो, इसको लेकर जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं, पुलिस के भी लोग हैं जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अपने अपने इलाकों के हाल भी बता रहे हैं, उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन विभागों की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहे हैं और विधि व्यवस्था को लेकर किस तरह के हालात हैं, विधि व्यवस्था कैसी है पूरे सूबे में, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए DGP मौजूद हैं, गृह विभाग के मुख्य सचिव यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ मुख्य सचिव को भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सभी मास्क में हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने सर पर हेयर मास्क भी पहना हुआ है क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है वो काफ़ी बढ़ चुका है। सुबह ही हमने आपको खबरों में दिखाया कि किस तरह से पटना में जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। 27 कंटेनमेंट जोन है लेकिन 14 और नए कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया गया है पटना के अलग अलग इलाकों में। जिस तरह से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, कोरोना पर तो नकेल कसने की कोशिश हो ही रही है, साथ ही साथ विधि व्यवस्था को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। ये देखा जाएगा कि किस तरह से बिहार में विधि व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए, किस तरह से क्राइम को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अपराध का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। अलग अलग प्रकार से अपराधी अपने मंसूबों को कामयाब करने में लगे हुए रहते हैं, चाहे बैंक लूटने की घटना हो या फिर मर्डर की घटना हो, आए दिन खबरें सामने आती रहती है बिहार के अलग अलग इलाकों से। कहीं पर गुंडागर्दी ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर बैंक लूट की घटनाएँ तो बहुत ज़्यादा इन दिनों हो रही है। इसी सब को लेकर विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, वरीय अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा कर रहे थे बिहार में किस तरह से विधि व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए, किस तरह से क्राइम कंट्रोल किया जाए। इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि इस समीक्षा बैठक के बाद में कितनी और मुस्तैद होती है बिहार के अलग अलग इलाकों में पुलिस या फिर पूरी प्रशासन की टीम और किस तरह से सूबे में क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।